मिलता क्या सुनने में आ रहा है। 300 रुपए में स्कूटी जीतने का, पाने का मौका, और पता नहीं कौन कौन से मौके आप दे रहे हैं। क्या है पूरा प्लान हो, बताओ यार, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है आपसे? आजकल फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रही है। पहले तो राजू भाई आप को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप हमारी शॉप में आए हैं यहाँ पे, और जैसा आपने सुना है बिल्कुल सही सुना है, हमने नमन इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से एक दिवाली में एक नई स्कीम लेके आए हैं जिसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांववाला यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, सोमेश्वर घाटी के लजुला गांव से मैं वीडियो बनाता हूँ, और अभी अभी मेरे पास एक भयंकर खबर आ रखी है। खबर यह है कि सोमेश्वर बाजार में मात्र 300 रुपए में आपको एक स्कूटी मिल सकती है, ब्रांड न्यू स्कूटी मात्र 300 रुपए में आप पा सकते हैं। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, नमन इलेक्ट्रॉनिक पर यह ऑफर आया है। स्कूटी ही नहीं, उसके अलावा LED TV हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, और पता नहीं 10 तरह के वहाँ पे इनाम है। 300 रुपए आपको लगाने हैं और वहाँ पे आपका किस्मत का पिटारा खुल जाएगा। तो मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये पिटारा आपको मिल सकता है, मतलब बड़ा मतलब छोटे अमाउंट में बड़ा धमाका आपको मिल सकता है। तो वही किस्मत आजमाने में अभी आज जा रहा हूँ सोमेश्वर में, देखता हूँ क्या क्या वहाँ पे सिस्टम है। पहले देखूंगा कहीं फ्रॉड व्रॉड तो नहीं चल रहा, क्यों जा रहे, कहीं फ्रॉड व्रॉड चल रहा होगा तो वो भी देखेंगे। अगर फ्रॉड नहीं चल रहा होगा, लगेगा कि हाँ ये ठीक है, तो फिर उसके बाद इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, इन्वेस्ट नहीं मतलब तुक्का लगाने की सोचेंगे। तो अभी मैं बैग वैग उठाता हूँ और इसमें पैसे भर के चल देता हूँ सीधे बाजार की तरफ। और बाजार हमसे ज्यादा दूर नहीं है, मेरा गांव बाजार से करीब, मतलब सोमेश्वर मार्केट से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं शाम के समय, और उसके अलावा भी मेरे को थोड़े बहुत काम है तो वो भी देखेंगे, और देखेंगे कि क्या वहाँ पे ऑफर निकला हुआ है, क्या मात्र 300 रुपए में स्कूटी मिल सकती है। वैसे मेरे को जरूरत है, अगर मिलगी तो बहुत अच्छा। तो फिलहाल आपको आसपास कैसा है नजारा वो दिखाता हूँ, उसके बाद सीधे मार्केट की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह है अपना गांव, और देख सकते हैं खेतों की जुताई हो गई, कुछ जुताई नहीं, खेत में पानी भी डल चुका है। तो ये वाला खेत जो है, इसे पानी डाल दिया गया है, सिंचाई हो गई है इसकी। और ये देखिए पानी इस तरह से नहरों से होते हुए हमारे यहाँ पे गांव में सिंचाई की जाती है खेतों की। पतले पतले नहर होते हैं रास्तों के किनारे, खेतों के किनारे, उन्हीं से पानी जाता है गधेरे से होते हुए। तो इस तरह से पूरा जो है कृषि कार्य होता है। ये देखिए दोस्तों, और वहाँ पे स्कूल, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। तो ग्राउंड की कमी है हमारे क्या बोलते हैं गाँव में, तो बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, इस वजह से मंदिर में इस बीच खेल रहे हैं। हालांकि 2-4 दिन खेल पाएंगे क्योंकि उसके बाद गेहूं की बुआई हो जाएगी, तो जिसके खेत में गेंद जाएगी, बॉल जाएगी, वो भी डांट वाट लगाएगा। इस वजह से 2-4 दिन का ही ये खेल होने वाला है, उसके बाद ये ग्राउंड इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, कहीं खेतों में, मडवे के खेत में शिफ्ट हो जाएगा। फिर फिलहाल ये है मंदिर हमारा गाँव का, गाँव की धुनी, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। ही देखिए ग्राउंड का बहुत अभाव है दोस्तों हमारे गाँव में। ये देखिए, देखते हैं कैसा शॉट मारते हैं। करा रहे बॉलिंग फटाफट, घंतरी बॉलर। ये मैच को देखो नहीं, जल्दी करा। हाँ, तो आज कहाँ जा रहे हो तुम? रणथन। ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये है जी खेत, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट में सीधा आपको मिलाते हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ, नमन इलेक्ट्रॉनिक पे, नमन इलेक्ट्रॉनिक के जो ओनर है उनसे। चाचा जी आ गए, आज चीनी वीनी लेके, बहुत बढ़िया, चीनी सही नहीं है वैसे। चलो बिंदा। तो दोस्तों, बैठ गए हैं दीपदा की गाड़ी में, और यहाँ से सीधे हम जा रहे हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर में देखते हैं क्या क्या है फिर वहाँ पे, कहीं फ्रॉड रोड तो नहीं चल रहा, वो भी पता करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी सोमेश्वर घाटी में आजकल जो है गेहूँ बोने की तैयारी चल रही है, तो खेतों पे लोग आने शुरू हो चुके हैं, मतलब सुबह सुबह ही आ गए होंगे। मोह हो सराई चल रही है, देख सकते हैं महिलाएं मोह ले जा रही हैं, यानी कि गोबर की खाद। तो धीरे धीरे चलते हैं, सीधे सोमेश्वर पहुंचते हैं, और आपको मिलवाते हैं नमन इलेक्ट्रॉनिक के मालिक से, जो अनिलदा हैं। तो दोस्तों, अभी सोमेश्वर में पहुंच गया हूं, और अभी मैं हूं ऊपर की तरफ कौसानी वाली रोड पे, और नीचे जा रहा हूं नमन इलेक्ट्रॉनिक की ओर। तो आपको सीधे वहीं ले जाते हैं और उनसे आपको मिलवाते हैं अनिलदा लोगों से। यह है जी सोमेश्वर की बाजार, ये मल्ली बाजार है, मतलब ऊपर की तरफ वाली सोमेश्वर कौसानी रोड वाली बाजार है। यहाँ भी अलग अलग बाजार है, तल्ली बाजार है, मल्ली बाजार है, रानीखेत रोड में अलग बाजार है, मतलब बाजार एक ही है लेकिन एरिया अलग अलग हो जाता है। ये देखिए, बाजार का सबसे बिजी एरिया होता है ठेका, तो ठेका जो है सबसे ज़्यादा बिजी एरिया। तो ये दोस्तों नमन इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप नमन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स। तो यहाँ पे दीपावली की पूरी तैयारी हो चुकी है,
आप देख सकते हैं सामान वामान सज चुका है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 300 रुपये में आप यहाँ स्कूटी जीत सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं इनसे बोलता हूँ कि गाना बंद करें क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा मेरे उसमें। तो दोस्तों यहाँ पे रिंकू भाई है जो कि मालिक आदमी है, लेकिन इनसे भी जो बड़े मालिक हैं उनसे बात करते हैं अंदर जाके और पता करते हैं क्या सिस्टम चल रहा है और क्या सीन है ये 300 रुपये वाला। अनिल नमस्कार। नमस्कार राजू भाई, क्या हाल है? बढ़िया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और दीपावली कैसी तैयारी चल रही है? बस बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। मेरे को ही दे दो, मैं बात करूंगा आपसे। हां बढ़िया से ना। मिलता क्या सुनने में आ रहा है 300 रुपए में स्कूटी जीतने का पाने का मौका, और पता नहीं कौन कौन से मौके आप दे रहे हैं, क्या है पूरा प्लान हो बताओ यार, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है आपसे? आजकल फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रही है। पहले तो राजू भाई आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप हमारी शॉप में आए हैं यहाँ पे, और जैसा आपने सुना है बिल्कुल सही सुना है। हमने नमन इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से एक दिवाली में एक नई स्कीम लेके आए हैं जिसमें आपको 299 रुपये में एक कूपन लेना है। अच्छा। जिसमें आपको मौका मिल सकता है एक जो पहला पुरस्कार है वो 43 इंच का LED है। अच्छा। दूसरे में फ्रिज है, तीसरे में वॉशिंग मशीन है। अच्छा। चौथा पुरस्कार फिर एक 32 इंच का LED है। अच्छा। पाँचवें में होम थिएटर है, छठे में माइक्रोवेव ओवन है, सातवें में मिक्सर ग्राइंडर 750 वाट, आठवें मिक्सर ग्राइंडर 500 वाट, और नौवें में कैटल है, और दसवें में LED बल्ब 10 हैं। तो इस प्रकार से 10 पुरस्कार हैं। ये लकी ड्रॉ के द्वारा 3 तारीख को रामला ग्राउंड में एक बहुत बढ़िया तरीके से इसको ऑर्गेनाइज। अच्छा, इसमें मतलब ये तो नहीं है कि आपने चीटिंग कर लिया और अपने आदमी को ही जिता दिया? ऐसा कुछ नहीं है, वो आप लोगों के सामने ही निकाले जाएंगे सारे, जो भी जितने भी कूपन हैं वो एक मटके वगैरह में डाले जाएंगे, वहीं पे सबके सामने ही वो लकी ड्रॉ निकलेगा। वो किसी बच्चे के माध्यम से या कोई छोटे जो भी कोई लड़की वगैरह होगी उसके हाथ से निकालेंगे। अच्छा। वो सबके सामने बिल्कुल, आप लोगों के जो फेसबुक पेज है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी लाइव रहेगा उस दिन, वो जो हमारा रिजल्ट निकलेगा उस पे लाइव रहेगा। अच्छा 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 जी। तो मैं तो सुन के आया था कि स्कूटी का क्या सिस्टम है, वो मैं समझा नहीं। स्कूटी का सिस्टम ये था कि जो अभी प्राइस मेरी ये लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो मेरे 700-800 कूपन इसमें अगर सेल होते हैं तो ये प्राइस रहेगा। अगर मेरा ये था कि अगर 1200 कूपन प्लस अगर हो जाते हैं तो उसमें पहला पुरस्कार स्कूटी हो जाता है। अच्छा, अच्छा। तो वो मतलब एक आपने लिमिट रखी अपनी तरफ से, वो एड ऑन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी कितना क्या लग रहा है, कैसा है रुझान? अभी लगभग 500 कूपन सेल आउट हो चुके हैं। अभी डिपेंड हो रहा हूँ थोड़ा मेले में, 200-250 कूपन अगर वहाँ कट जाते तो एक बेहतर क्वालिटी का सबको एक प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्रवासियों को मिले। अच्छा अच्छा ये। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि एक थोड़ा सा दीपावली में वैसे भी हमारे यहाँ चलता ही है हल्का फुल्का, आप किस्मत आजमाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये किस्मत आजमाने का ही है, और दूसरा ये है कि अपने क्षेत्रवासियों के अगर अपनी तरफ से अगर 300 रुपये में अगर कुछ बड़ी चीज़ मिल रही है तो एक मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे क्षेत्र वालों को मिले तो उनको भी अच्छा फील होगा। वैसे भी दिवाली का माहौल है तो हर कोई खरीदारी करना चाहता है, अगर उससे हमारी शॉप से अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई आपकी कूपन की, थोड़ा एक बार कूपन दिखा दीजिए मेरे को आप, मतलब पर्ची जो आप काट रहे हैं किस तरह की है। तो दोस्तों ये देखिए, जो लास्ट पर्ची कटी है ये कटी है एकांश कुमार के नाम की, सोमेश्वर के ही हैं। तो ये इस तरह का इन्होंने लिखा है कि नमन इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है दीपावली धमाका। तो ये सब चीज़ें इसमें मिल रही है, प्रथम पुरस्कार है लकी ड्रॉ में जो आपको दिखा है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, होम थिएटर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, 299 का कूपन है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर टिकटों की संख्या, मतलब जो पर्ची है इसकी कटने की संख्या 1200 के आसपास जाती है तो ये पहला पुरस्कार जो है उसमें स्कूटी, कौन सी स्कूटी होगी? वो एक्टिवा होगी। तो अनिला ये तो होगी स्कूटी और उसके की बात, अभी ये बताइए कि दीपावली है, आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, मतलब आपने दुकान भर रखी है पूरी, मैं दिखा सकता हूँ ये दुकान एकदम भरी हुई है टकाटक, और अभी इसमें और सामान आएगा, अभी आपने गोदाम में भी रखा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, गोदाम बिल्कुल गोदाम पैक होंगे। लेकिन अभी क्या है कि चुनौती जो हमारे क्षेत्रीय व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए दिक्कत आ रही है कि ऑनलाइन भी बहुत शॉपिंग हो रही है। हाँ, तो आप क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ अपना संदेश? देखिए ऐसा है, मैं समझ सकता हूँ कि ऑनलाइन में लोगों को कुछ सस्ती चीज़ें दिखा के लोग, अब ये होता है ना ऑनलाइन में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं हकीकत में वो चीज़ें लोग अगर जब मंगा रहे हैं ना वो चीज़ें नहीं मिल पा रही उनको, तो अगर वो किसी दुकान से अगर ये चीज़ें लेते हैं पहले तो उनको अपने सामने प्रोडक्ट अपनी मर्जी का देखते हैं। प्लस क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट में वारंटी होती है, जैसे 10 साल, जैसे फ्रिज वगैरह ले जाते हैं तो 10 साल, और अगर वॉशिंग मशीन वगैरह ले जाते हैं तो 5 साल। तो अगर इस ड्यूरेशन के दौरान अगर कोई भी दिक्कत परेशानी अगर उनको हमारे प्रोडक्ट में आती है
तो कस्टमर हमसे आके डायरेक्टली मिल सकता है और हमको अपनी शिकायत बता सकता है, तो उसका सोल्यूशन हम 48 आवर्स के अंदर कर सकते हैं और वो कंपनी का टेक्नीशियन बुलाने की जवाबदारी पूरी हमारी होती है। अगर ऑनलाइन केस में इस तरह की कोई दिक्कतें आएंगी तो उनको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको कहने का मतलब ही कुछ चीज़ें होती है जो टच एंड फील आती होती है कि मतलब देखो उसको छुओ फिर बढ़िया से, मतलब वो ऑनलाइन में वो नहीं। ऑनलाइन में देखो क्या है कि मतलब जो टेक्निकल डाटा जानता है वही उस बंदा उसको कवर कर सकता है। बाकायदा क्या है कि जैसे कि अभी बीच में किसी बंदे ने मेरे को बताया कि उसने एक फ़ोन मंगाया था 45,000 रुपये का, तो उसने 12 GB RAM का फ़ोन मंगाया था, उसका जो डब्बा आया वो भी 12 GB RAM का ही था, और जब उसने डब्बा खोल के अंदर चेक किया, फ़ोन को चेक किया, तो वो 8 GB RAM का फ़ोन उससे मिला। तो वो बंदा जानकार था, इस वजह से उसका जो वो फ़ोन था वो बड़ी मुश्किलों से उसने वापस किया, उसका शायद 10-15 दिन के अंदर उसका पैसा वापस आया। तो इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन में, और जबकि हमारे स्टोर पे आने से क्या होगा कि बंदे को अपना प्रोडक्ट जो भी उसने लेना है तसल्ली करके देख के वो लेके जाएगा, और बाकायदा हम उसको संतुष्ट करेंगे कि जो ऑनलाइन उसको रेट मिल रहा है बिल्कुल एक्वल उसके आसपास हम उसको सामान देंगे। मतलब आप कह रहे हो कि रेट में भी हिदायत है, लगभग बराबर ही है, और बाकी अगर क्षेत्रीय दुकानदार जो हैं उनसे शॉपिंग की जाए तो क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़िया रहेगी। तो फिलहाल ये देखिए, तो दुकान में कौन सी सामान है जो लकी ड्रॉ में आप देने वाले हैं, कोई दुकान में भी ऐसा कुछ? हाँ, अभी दिखा दो। तो दोस्तों ये जो टी वी आप देख रहे हैं 43 या फिर 45 इंच की LED है, और ये भी 300 रुपये में आप आ सकते हैं अगर आपका लकी ड्रॉ में नाम आता है। उसके अलावा जो भी फ्रिज रखे हैं इनमें से कोई सा भी एक फ्रिज आपका हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और वॉशिंग मशीन है देख सकते हैं आप, ये वॉशिंग मशीन है। तो सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आजकल हर कोई ख़रीदारी करता है, तो आप एक बार किस्मत आजमा के देख सकते हैं। उसके अलावा पंखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब 10 चीज़ें इन्होंने बताई हैं। उसके अलावा स्कूटी जो है वो वहाँ पे है टीवीएस के शोरूम में, टीवीएस का शोरूम जो है सोमेश्वर में ही है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो कैसा है रिस्पॉन्स अनिल दा लोगों का? बहुत बढ़िया है, अभी तक जैसे रिस्पांस आया है 550 के आसपास टोकन सेल आउट हो चुके हैं, और दीपावली तक मैं समझता हूँ कि 250 या 300 कूपन और सेल आउट हो जाएंगे। तो मैं अपनी क्षेत्रीय जनता से अनुरोध करता हूँ कि वो इस छोटे से कॉन्टेस्ट में ज़रूर भाग लें, और ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जनता जो क्षेत्रीय जनता है उनको ही इनाम मिले, क्योंकि जो मेरे हल्द्वानी वाले कस्टमर हैं कुछ तो 100-150 कूपन शायद हल्द्वानी से भी कटे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो प्राइस हैं वो अगर क्षेत्र में रहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और क्षेत्रीय जनता को देने में भी बड़ा अच्छा लगेगा। और जिन लोगों ने टोकन लिए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 3 तारीख को जो समय रहेगा मैं फिर एक बार उनको फ़ोन के माध्यम से बता दूंगा, वो 3 तारीख को शायद 1 बजे के आसपास रामलीला ग्राउंड में इसको एक बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी जिन लोगों ने भी अपनी किस्मत को इसमें आजमाया है वो लोग सभी आमंत्रित हैं, और एक बढ़िया प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि होगा वहाँ पे। धन्यवाद राजू। तो ये भी एक और मैं थोड़ा उसके लिए बता देता हूँ, लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि कई लोग बाहर से भी देखते हैं, अब यहाँ आ नहीं सकते टोकन कटवाने के लिए, तो अपना कुछ नंबर या फिर कुछ ऐसा बता दीजिए ताकि वो फ़ोन से अपना करवा सके काम। जी बिल्कुल, अगर ऑनलाइन माध्यम से अगर कोई टोकन लेना चाहता है तो वो मेरे नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो है 7456943434। इस नंबर पे वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और हमारे नमन इलेक्ट्रॉनिक्स फेसबुक पेज है उस पे भी मुझे कोई मैसेज डाल सकते हैं, या अनिल राणा फेसबुक पेज पे भी वो मैसेज कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिंदा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका पूरा सेल आउट हो जाए, और जो पहला प्राइस हो स्कूटी का वो मुझे मिल जाए। तो ये देखिए दोस्तों ये दुकान भरी हुई है, फिलहाल यहाँ से हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अनिंदा के बाद अभी हम आ गए हैं यहाँ पे गली में, जो हमारे पांडे जी हैं, फ्रूट सेंटर है। पांडे जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। क्या है चला काम आपका? सब बढ़िया, आप सुनिए। क्या क्या रहता है यहाँ पे? अभी सभी मिल जाएगा आपको, जैसे कि मोबाइल एसेसरीज पूरी है, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल और गिफ्ट भी है सारे, दिवाली का सारा सामान, दिवाली का भी है। क्या क्या है दिवाली में ऑफर कुछ है क्या? दिवाली में ऑफर ही ऑफर है सर, अभी क्या ऑफर चलता है? सारे प्राइस डाउन भी आ चुके हैं सभी फोनों में। अच्छा, स्मार्टफोन में मिल जाएंगे सारी, सभी कंपनियों के। अच्छा, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी सभी चीज मिल जाएगा आपको, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गिफ्ट आइटम मिल जाएंगे, फ्लावर पॉट हो गए, इस टाइप के सभी आइटम। अच्छा, तो मोबाइल वगैरह आप फाइनेंस भी करवाते हैं? फाइनेंस दोनों। कौन सा फाइनेंस है? फाइनेंस बजाज फाइनेंस, बजाज से। तो पांडे जी की दुकान है दोस्तों भरी हुई है, तो आप देख सकते हैं सारे मोबाइल हैं, तरह तरह के बहुत सारे स्मार्टफोन हैं पीछे से,
तो बढ़िया चलती है इनकी दुकान और काफी लोग पसंद करते हैं इनके व्यवहार को। तो मैं भी यहाँ पे आया था क्योंकि भांजी का कल बर्थडे है, तो उसके लिए कुछ छोटा मोटा गिफ्ट लेना था यहाँ से, और कहीं कुछ मिला नहीं तो मैंने कहा यहीं चलते हैं। तो चलते हैं पांडे जी अभी। धन्यवाद। तो दोस्तों पांडे जी के यहाँ से हम निकल गए हैं बाहर और अभी शाम हो गई है, मतलब काफी शाम हो चुकी है। तो देख सकते हैं बाजार जो है धीरे धीरे सजनी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी दीपावली के करीब 10-1 दिन है, मतलब 8-10 दिन पूरी तरह से है, लेकिन फिर भी बाजारें जो है सजनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए बाजारों में रौनक बढ़ गई है। तो यही सब चल रहा है अपने सोमेश्वर में आजकल। अभी हम चलते हैं घर को, देखते हैं घर में क्या होता है। घर में क्या होता है व्लॉग को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, घर में कुछ होता नहीं है वैसे भी। तो ये सब चल रहा था फिलहाल। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपसे मिलेंगे कल सुबह फिर से किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो आप भी यहाँ पे किस्मत आजमा सकते हैं। अनिल दा ने अपना नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके उनसे टोकन कटवा सकते हैं। बाकी क्या कहें, एक टोकन हमने भी कटवाना है, शायद कल कटवाएंगे। तो दोस्तों मार्केट से आ गए हैं, सोमेश्वर से आ गए हैं घर और अभी बज गए रात के 8। फिलहाल व्लॉग की एडिटिंग कर रहा हूँ, आज की वीडियो की एडिटिंग करने बैठ गया हूँ। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि 300 रुपए का कूपन काटने के बाद लकी ड्रॉ निकलेगा, एक तरह का जुआ ही है। तो अपने आप रिस्क में खेलिएगा, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हो ट्राई। नमन इलेक्ट्रॉनिक पे उन्होंने नंबर दिया है, वहां पे आप कॉल भी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, या फिर वहां जाके भी कर सकते हो, दो ऑप्शन है। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए आप लोग। जय श्री राम, टाटा।